प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक से मर रहे हैं उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु होगी। राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्र युष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप राम ने चतुर्भुज रूप अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी को त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा, तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानर ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी को जिसने हरण किया है और जिस स्थान पे है वह मुझे मालूम है। उनकी रक्षा के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने अपनी जान गवा दिए। रामचंद्र के नाम लेकर उसने प्राण त्याग दिया और कुछ ही दूर पर समुद्र के पास एक राक्षसी नगरी है। वहाँ पर एक शीशम का वृक्ष है जिसके नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांग सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, समुद्र को किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। तब हनुमान जी ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया और उस समुद्र को आसानी से लांघ लिया। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है।